मध्य प्रदेश के अशोकनगर थाने क्षेत्र में प्रभारी ने तेवर दिखाए तो बिजली कर्मियों ने शहर की ही बिजली काट दी। अब हुआ क्या था कि अवैध रूप से बिजली कनेक्शन पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने बिजली विभाग के कर्मचारियों को ही पीट दिया। मामले में पुलिस ने अज्ञात लोगों पर FIR दर्ज कर लिया है। इसके विरोध में बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने थाने पर पहुंचकर नारेबाजी की। कर्मचारियों के प्रदर्शन से नाराज चंदेरी थाना प्रभारी ने बिजली कर्मचारियों को अनपढ़ कह दिया। सब पढ़े लिखे लोगों, कर्मचारी लोग, इस तरीके की हरकतें कर रहे, अनपढ़ जैसी बिल्कुल। इसके बाद बिजली विभाग के कर्मचारी भड़क गए, उन लोगों ने पूरे शहर की ही बिजली काट दी। आपको बता दें कि जब कर्मचारियों को पीटा गया तब वो मामले में आरोपियों पर नामजद FIR की मांग को लेकर प्रदर्शन करने लगे। सभी चंदेरी थाना क्षेत्र का घेराव करने पहुंच गए। बिजली कर्मचारियों ने पावर हाउस से चंदेरी थाना क्षेत्र तक रैली निकाली और मामले को लेकर रोष व्यक्त किया। बिजली कर्मियों के प्रदर्शन के दौरान चंदेरी थाना प्रभारी उमेश उपाध्याय भड़क थे। उन्होंने कहा कि चिल्ला चोट क्यों कर रहे हो, कौन अत्याचार कर रहा है, पुलिस कर रही है या फिर कोई और, पढ़े लिखे लोग हो और काम अनपढ़ जैसा कर रहे हैं। थाना प्रभारी इसलिए गर्म हो गए कि बिजली कर्मी अपनी मांगों को लेकर थाने में भीड़ के साथ पहुंच गए थे। थाने में बिजली कर्मियों पर थाना प्रभारी भड़क उठे और उन लोगों से नाराज होकर बिजली कर्मियों ने पूरा का पूरा बिजली कनेक्शन ही काट दिया। शहर की सप्लाई तकरीबन 5 घंटे तक बंद रही, शहर में 5 घंटे तक बिजली नहीं आ सकी। थाने पे आ गए, क्या तरीका है ये? आप सीधे सीधे अपनी बात रखो ना, तो निवेदन निवेदन की तरह से होता है, ये क्या तरीका है? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।